तो काफी टाइम से इस चैनल पे मोबाइल फोटोग्राफी की टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो नहीं डाली थी, तो मैंने सोचा कि आज एक ऐसी वीडियो बनाते हैं जहां मैं आपके साथ 5 ऐसी टिप्स शेयर करूंगा, या शायद ऐसी गलतियां जो आप कर रहे हो मोबाइल से फोटोज लेते हुए जो आपको नहीं करनी चाहिए, और ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगी टू बिकम अ बेटर फोटोग्राफर, कैसे आप अच्छी दिखने वाली फोटोज ले सकते हो जैसे प्रोफेशनल फोटोज लेते हैं। तो मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ हेल्प हो सके। और रिसेंटली मैंने काफी मोबाइल के कैमरा कंपेरिजन और कैमरा रिव्यूज करे हैं, तो कमेंट करके मुझे बताना कि आने वाली वीडियो में कौन से स्मार्टफोन का कैमरा टेस्ट करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली टिप के साथ। अब अगर आप अपने फोन से पोर्ट्रेट्स काफी ज्यादा लेते हो ना, तो ये टिप आपको काफी हेल्प करेगी। तो मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक क्या देखी है बिगिनर्स के साथ कि जब भी आउटडोर हम पोर्ट्रेट्स ले रहे होते हैं, नॉर्मल अपनी आई लेवल पे या नीचे को करके एक ऐसे एंगल से फोटोज लेते हैं जो देखने में उतनी बढ़िया नहीं लगती। तो जब भी आप पोर्ट्रेट ले रहे हो अपने फोन कैमरा से, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है उस सब्जेक्ट के आई लेवल पे आपको जाना है। अब मान लेते हैं अगर मैं इस तरीके से कैट की ये वाली फोटो मैंने ली है, तो मैंने अपने आई लेवल से नहीं लिया, मैं एकदम नीचे झुक गया, एकदम बेंड करके फिर कैट की जो आई लेवल है ना वहां पे फोन को रखा, फिर फोटो ली। तो इससे दो डिफरेंसेस आपको इस फोटो में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है बैकग्राउंड ब्लर, डेप्थ। अगर मैं वही ऊपर के एंगल से लेता ना, नीचे सिर्फ फर्श दिखता और उसमें डेप्थ नहीं आती। तो जब आप सब्जेक्ट के आई लेवल पे जाते हो ना, आपको बहुत अच्छा नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड मिलता है। और दूसरी चीज है, जब आप आई लेवल पे चले जाते हो ना, तो आपको जो पर्सपेक्टिव मिलता है वो काफी नेचुरल मिलता है, और जैसे हम अपनी आंखों से देखते हैं वैसा ही आपको उस पोर्ट्रेट में निकल के आएगा। तो फिर चाहे एनिमल्स हो या ह्यूमन एलिमेंट्स हो, ट्राई करो उनके आई लेवल पे जाके फिर पोर्ट्रेट लो। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो आपकी नॉर्मल सी फोटोज़ को काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती है। मैं बात कर रहा हूँ एडिंग फोरग्राउंड। अब फोरग्राउंड क्या होता है, अगर आप इस फ्रेम में भी देखोगे, ये एक बेंच है, ये फोरग्राउंड में है, फिर मैं हूँ, फिर एक बैकग्राउंड है। तो जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसके आगे जब आप कुछ एक लेयर ऐड कर देते हो ना, उसको हम एडिंग अ फोरग्राउंड बोलते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये देखो, स्ट्रीट फोटो मैंने एक ली है जहाँ आगे एक रिक्शा आ रही है राइट साइड में, और बीच में मेरा एक और एलिमेंट है जिसके ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूँ। तो इससे क्या होता है कि वो जो दूसरी रिक्शा ऐड हो रही है, पहली चीज वो मेरा फ्रेम फिल कर रही है, दूसरी वो मुझे स्टोरी में हेल्प कर रही है, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वो एक एज अ एलिमेंट ऐड होके एक जो एम्बियंस है उसका लुक एंड फील दे रही है। एक और एग्जांपल मैं यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पे दिल्ली में एक स्टूपा है, इसका फोटो मैंने ऐसे लिया कि फोरग्राउंड में फ्लावर्स भी आ जाए। तो ये क्या करता है, ये नेचर को दिखा रहा है, ये एक और लेयर ऐड कर रहा है मेरी फोटो में, एक और ऐसा एलिमेंट ऐड कर रहा है जहाँ पे जब कोई रुक के फोटो देखेगा ना, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा फोटो को रीड करने में, और कहीं ना कहीं मेरी फोटो में जो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, उसको भी ये भरता है। तो फोरग्राउंड में एलिमेंट रखने से आपको डेप्थ भी मिल जाती है, आप स्टोरी बेटर बता सकते हो, आप ऐसे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो जो उसकी एम्बियंस को डिफाइन कर सकें, और कहीं ना कहीं आपकी जो फोटो है वो काफ़ी बढ़िया निकल के आती है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज यूजिंग प्रो मोड। अब ये हम एडमिट करते हैं, हमारे सबके फोन में आजकल प्रो मोड मैनुअल मोड होता है, जहाँ पे जाके हम अपनी शटर स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, बट हम करते नहीं, हम ऑटोमेटिक पे ही मोस्टली फोटो लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ सैंपल दिखाता हूँ जो मैंने प्रो मोड में शूट किए हैं। सबसे पहले ये वाली फोटो देखो, पीछे बस जो है वो लॉन्ग एक्सपोजर में है, आगे की तरफ ऑटो और ऑटो ड्राइवर एकदम स्टिल है। ये कैसे हुआ, मैं प्रो मोड में गया, मैंने अपनी शटर स्पीड को 1/5 सेकंड पे रखा इसके आसपास, और मैंने देखा कि जो ऑटो और उसके ड्राइवर है वो एकदम वैसे ही खड़े हैं, पीछे से व्हीकल रहे हैं। तो अब जब मैंने स्लो शटर स्पीड करके फोटो कैप्चर करी ना, तो वो एज इट इज स्टिल आए, बट जो पीछे बस जा रही थी उसका लॉन्ग एक्सपोजर आया। तो ये चीज आप भी कर सकते हो, आपको सिर्फ अपनी शटर स्पीड स्लो करनी है, आप 1/2 या 1/5 सेकंड पे जाके शटर स्पीड को डाल के शाम के टाइम में या रात के टाइम में ऐसे लॉन्ग एक्सपोजर फोटोज ले सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि और लॉन्ग एक्सपोजर आपको कैप्चर करना है, तो आप एक मिनी ट्राइपॉड या ट्राइपॉड में भी फोन लगा के इस तरीके की फोटोज ले सकते हो। जैसे आप देखोगे कुतुब मीनार के पीछे प्लेन जा रहा है, एक्चुअली प्लेन का लाइट ट्रेल है जो आई थिंक 6 या 8 सेकंड के एक्सपोजर में मैंने कैप्चर किया था। तो आप प्रो मोड में जाओ, एक्सपेरिमेंट्स करो और कुछ यूनिक फोटोज कैप्चर कर सकते हो। अब अगली टिप का नाम बताने से पहले मैं आपको यहाँ 2-3 फोटोज दिखाता हूँ। इन तीनों फोटोज में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, और वो है स्काई का कलर, जो कि है एकदम ब्लू कलर का शाम के टाइम में। अब नॉर्मली पहले भी मैं सोचता था कि लोग फोटोशॉप करके ब्लू कलर का स्काई ऐसा बना देते हैं, बट बाद में मुझे इस टर्म का पता चला जिसका नाम है ब्लू आर। अब ब्लू आर में क्या होता है, सनसेट के बाद जो स्काई है एकदम अंधेरा होने से पहले ब्लू अपीयर होता है हमारी आंखों से। वही चीज अगर आप फोन से फोटो लेते हो ना, बिकॉज फोन थोड़ा प्रोसेस करके भी देता है, तो वो असली जो ब्लू कलर है ना वो निकल के आता है। तो यहाँ मैं आपको कुछ और सैंपल्स दिखाता हूँ जो मैंने पिछले कुछ सालों में ब्लू आर में शूट करे हैं। और मैं प्रेफर करता हूँ अगर मैं किसी टूरिस्ट लोकेशन या किसी ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि मुझे उसका एसेंस कैप्चर करना है, मैं ट्राई करता हूँ मैं ब्लू आर के टाइम जाऊँ जब सनसेट हो जाता है, और उस टाइम में आपको एकदम इस तरीके का ब्लू कलर का स्काई मिल जाता है।
तो जो अगली टिप है वो है सब्जेक्ट सेपरेशन। तो जब आप फोन से फोटोज लेते हो ना, तो होता क्या है, नॉर्मली हम जब ट्राई करते हैं हमें कुछ बढ़िया सिलुएट दिखते हैं, कुछ ऐसा एक अलग सा सब्जेक्ट दिखता है जिसको हम कैप्चर करना चाहते हैं। ये एग्जाम्पल के लिए आप फोटो देखो, सेपरेशन कितना बढ़िया निकल के आ रहा है। इसके मैं आपको दो तीन रीजन बताता हूँ, दो तीन सिचुएशन जिनको आप यूज करके ऐसी फोटोज ले सकते हो। सबसे पहला है, जब भी आपको कोई बढ़िया सिलुएट दिखता है ना, कॉन्ट्रास्ट फिगर आउट करो। कॉन्ट्रास्ट से मेरा मतलब है, जब एक मेन सब्जेक्ट जो आपका है मान लेते हैं वो डार्क अपीयर होगा, तो कॉन्ट्रास्ट में ब्राइट एरिया उसके पीछे आना चाहिए। क्योंकि अगर आप डार्क को डार्क के अगेंस्ट डाल दोगे वो निकल के ही नहीं आएगा, वो स्टैंड आउट नहीं करेगा। तो स्टैंड आउट करने के लिए आपको कॉन्ट्रास्ट ढूंढना है। सिमिलरली आप ये फोटो देखोगे, सेपरेशन कैसे है कि कोई भी जो दो सब्जेक्ट हैं वो ओवरलैप नहीं कर रहे इस फोटो में। पांच या छह जने जितने भी इस फ्रेम में हैं सब अलग अलग इंडिविजुअली कुछ ना कुछ करते हुए दिख रहे हैं। तो इसी को हम सब्जेक्ट सेपरेशन बोलते हैं, जहाँ कोई भी दो सब्जेक्ट आपस में ओवरलैप ना हो। तो जब भी आप स्ट्रीट फोटोज ले रहे हो, आपको मल्टीपल चीजें दिखानी है, ट्राई करो कि जो दो लोग हैं या तीन लोग हैं वो आपस में ओवरलैप ना हो। और कॉन्ट्रास्ट को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप अपने मेन सब्जेक्ट को स्टैंड आउट कराना चाहते हो। इन दो टेक्निक्स को अगर आप यूज करते हो ना, आप अपनी स्ट्रीट फोटोज में स्पेशली काफी आइसोलेट करके अपने सब्जेक्ट को दिखा सकते हो। तो ये थी पांच ऐसी टिप्स जो मुझे लगता है आपको एज अ बिगिनर मोबाइल फोटोग्राफर यूज करनी चाहिए। बिकॉज होता क्या, कई बार हम फोटोज लेने में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें छोटी छोटी डिटेल्स को समझते नहीं है, ये कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है, जिनको यूज करके आप एक्चुअली अपनी फोटोज को काफी डिफरेंट और काफी यूनिक लुक एंड फील दे सकते हो। एट द सेम टाइम आपकी क्वालिटी भी बढ़िया आएगी और कॉम्पोजिशन भी अच्छी आएगी। तो इन पांचों में से कौन से टिप आपको सबसे बढ़िया लगी कमेंट करके जरूर बताना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।